गाइस, आज मैं वाइल्ड एनिमल्स की एक इतनी बड़ी समस्या को पेश करने वाला हूँ जो हो सकता है शायद आप पूरे वीडियो देखें और इसको ज़्यादा शेयर करें तो वो समाधान भी हो सकता है। ये जो सामने जो पानी का एक मात्र स्रोत दिख रहा है, यहाँ कितने प्रकार के जानवर सिर्फ एक मात्र जगह है पानी की जहाँ पीने आते हैं, वो मैं दिखाऊंगा। चारों तरफ पहाड़ी एरिया भी है, जंगल भी है, सूखा है, पूरा एरिया सूखा है। मैं यहाँ बहुत जाता हूँ, मेरे को बहुत पसंद आती है जगह, लेकिन जब मैं देखता हूँ चारों तरफ, देखो ये तो मुझे देख के वापस रेत के पहाड़ पर चढ़ गया। जब मैं यहाँ जाता हूँ देखता हूँ तो मन में एक ही चीज़ आती है कि यार मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता इनके लिए। देखो चारों तरफ से बस वही एकमात्र जगह है जहाँ पर ये सारे आते हैं। नीलगाय हैं, हिरण हैं, पीकॉक्स को आप बहुत सारे वीडियो में डाल ही चुका, अभी सियार आपने देख लिया, हाइना जिसमें बहुत हैं, अजगर की तो क्या बताऊं, पाइथन जो स्नेक है उसकी तो ऐसी घटना हुई थी पिछले साल जो बता नहीं सकता मैं आपको। सिर्फ पानी की तलाश में इधर आया था, लोगों ने क्या किया उसका। लेकिन अब आगे पूरी बात सुनो, कुछ मेरे भाई कमेंट्स करते हैं। एक भाई हॉलैंड से कहता है कि भाई वीडियो आपके मैं देखता हूँ, मैं हॉलैंड में रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उस और भाई के लिए बहुत धन्यवाद। एक भाई कनाडा से भी कहता है कि भाई मैं आपको डोनेट कर दूँ, आप यहाँ पानी की व्यवस्था करो। लेकिन भाई डोनेशन की कम ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो मैं वो चीज़ यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि आकर पानी की व्यवस्था, ये जो महात्मा है इसने जो व्यवस्था कर रखी है, ये अभी एक साल पहले की थी। उस समय मैंने बाबा को कुछ पैसे दिए थे, यानी मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग था इसमें, ये सारा जो जगह बनाई थी। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे आते हैं, देखो ये बहुत दिखते हैं यहाँ पे, ये कुछ एनिमल्स ऐसे आते हैं जो इस ऊंचाई पर चढ़कर पानी पी नहीं पाते, तो वो सारी चीज़ करने के लिए वो जो भाई डोनेशन देने की बात करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि डोनेशन आप दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दे सकते, लेकिन मैं डोनेशन लेना नहीं चाहता। मैं मेरी जो मेहनत है उसको करूँगा और मुझे जो 10-20-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़े इसमें जो पड़ेगी उसके लिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर डाल दूँगा कुछ दिन बाद में, अभी नहीं कुछ दिन बाद में किसी भी वीडियो के साथ डाला करूँगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर। लेकिन वो तभी मैं कर पाऊँगा तब आप इस वीडियो के कमेंट्स में कम से कम 1,000 लोग ये कहेंगे कि यस आपको ऐसा करना चाहिए। तभी दोस्तों मैं इस वीडियो के बाद में मैं पूरी सर्वे करूँगा, क्योंकि मुझे कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक एक पाइप की पतली लाइन डालनी है। ये जो पाइप की लाइन डली हुई है यहाँ पे जो पानी दूर से आ रहा है, ये इसमें कुछ थोड़ा बहुत मेरा सहयोग था, कुछ मैंने मेरे यार दोस्तों से लेके महात्मा जी को दिए थे, और फिजिकली वर्क मेरा ज़्यादा था। जो शारीरिक मेहनत होती है मैंने यहाँ बहुत की थी। अब ये यहाँ कैसे व्यवस्था की जाए दोस्तों, ये कई किलोमीटर का एरिया है और एकमात्र जगह, मैं चाहता हूँ कम से कम पाँच जगह ऐसी हों जहाँ इस तरीके के पानी की व्यवस्था हो, और मैं तभी संभव कर पाता हूँ उस काम को, तब आप लोगों का सहयोग मिले। लेकिन मैं कुछ भाई कहते हैं डोनेशन हम दे सकते हैं, हम दे देंगे, आप अकाउंट नंबर दो, लेकिन वो नहीं, मुझे ऐसे डोनेशन नहीं चाहिए। हाँ मैं जब व्यवस्था करूँगा, इस बार तो मैंने नहीं, लेकिन पूरी वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डालूंगा आप लोगों के लिए, उसको मैं डालूंगा कि देखो दोस्तों मैंने इस तरीके से व्यवस्था करी है। देखो ये जो जानवर है ये तो थोड़ा बीमार सा लग रहा है, शरीर से लग रहा है, और बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में आप लोगों का ये सहयोग चाहिए कि मैं एक अकाउंट को पेटीएम से या पेफोन से या भीम से अटैच करके मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं अगर डालूँगा अभी तो सिर्फ हर 10 रुपये से ज़्यादा किसी से डोनेशन नहीं ले सकता, मात्र 10 रुपीज़ का। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो यस, सिर्फ कमेंट्स में यस लिखना है दोस्तों। उसके बाद जो मैं व्यवस्था करूँगा वो पूरे वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगा,
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना आपको, और जो भाई विदेशों से देखते हैं। हाँ गाइस, आज मैं इन वाइल्ड एनिमल्स की एक इतनी बड़ी समस्या को पेश करने वाला हूँ, जो हो सकता है शायद आप पूरे वीडियो